नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज यानी 14 जनवरी को ग्रहों के राजा भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ खरमास खत्म हो जाएगा और मांगलिक कार्यों जैसी शादी पे लगी पाबंदी भी समाप्त हो जाएगी। सूर्य का ये गोचर मीन, मकर, धनु, तुला, सिंह और मेष राशि के लिए भाग्यशाली रहने वाला है, तो वृषभ और कन्या राशि वालों के खर्चों में इजाफा होगा। अब विस्तार से जानते हैं कि सूर्य गोचर किन राशि वालों के लिए रहेंगे लकी और किन को बरतनी है सावधानी। मेष राशि, सूर्य के इस गोचर से आपकी सैलरी में इजाफा और प्रमोशन हो सकता है। जो स्टूडेंट लॉ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस पीरियड में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी सुधार होगा, अलग पहचान भी बनेगी। वृषभ राशि, संबंधों के मामले में काफी उथल पुथल से गुजरना पड़ सकता है। माता पिता से विचार मेल नहीं खाएंगे। रोजाना के जीवन में खर्च बढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन के लिए विदेश यात्रा के बारे में सोच सकते हैं। मिथुन राशि, इस गोचर के कारण आपको कोई भेद खुल सकता है। शत्रुओं से सावधान रहे, वर्क प्लेस पे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। कर्क राशि, एवरेज स्पीड से करियर में आगे बढ़ेंगे। वर्क प्लेस पे अचानक शत्रु एक्टिव हो जाएंगे और आपको कड़ी टक्कर देंगे। अधिकारियों और अपने कलीग्स के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। सिंह राशि, आज के दिन सूर्य छठे भाव में गोचर करेंगे। भाव उधार, शत्रु और रोग का होता है। परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगी। शत्रुओं की योजनाएं सफल नहीं होगी। आपको पुराने कर्ज से निजात मिल सकता है। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को मान सम्मान भी मिलेगा। कन्या राशि, फिजूल खर्च पे लगाम लगाए। विदेश से संतान को पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। आर्थिक नजरिए इस अवधि आपके लिए औसत रहेगी। तुला राशि, सूर्य गोचर की अवधि तुला राशि वालों के लिए अनुकूल रहने वाली है। परिवार के साथ आपको अच्छा वक्त बिताने को मिलेगा। अलग अलग स्रोतों से आपकी आय में झापा होगा। सेविंग करने में सफल रहेंगे। वृश्चिक राशि, यह वक्त आपके लिए अच्छा है। पड़ोसियों के अलावा भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे। कम्युनिकेशन में भी सुधार आएगा। करियर से ज्यादा मेहनत करेंगे जिसके बेहतर नतीजे भी देखने को मिलेंगे। धनु राशि, इस दौरान आपको पिता से मदद मिल सकती है। राजनीति के सक्रिय जातकों के लिए अच्छा वक्त है। इस अवधि में आपको धन लाभ भी होगा। पैसा कमाने के कई मौके मिलेंगे और आय में भी इजाफा होगा। मकर राशि, पार्टनर या फिर पिता के साथ मन मुटाव हो सकता है। हालांकि करियर में आप अलग मुकाम छू सकते हैं। अचानक आपको प्रसिद्धि मिलेगी। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए अवधि अनुकूल है। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर शादीशुदा जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। हालांकि कुछ अच्छे मौके भी आपके हाथों से जाएंगे। मीन राशि, इस अवधि में आपको प्रत्याशित लाभ होगा। प्रमोशन भी मिल सकता है और करियर में नए मुकाम छूने का अवसर मिलेगा। सामाजिक और आर्थिक लाभ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।